वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल में स्टे विद मी में। और अभी हम लेके आए हैं आपको काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे BHU यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसे एक IIT का दर्जा प्राप्त है। और इसमें इम्पॉर्टेंट खबर ये है कि इसमें जो है ना अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज और पोस्ट ग्रेजुएट की जो अगले साल शुरू होने वाले हैं, मतलब जो बच्चे ग्रेजुएट होना चाहते हैं, जो बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहते हैं, स्नातक वालों को और परा स्नातक वालों की, इसमें फॉर्म शुरू हो चुके हैं, ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। और ये मार्च तक चलने वाले हैं। हम आपको डिटेल में बता देंगे डेट वगैरह, अप्लाई ऑनलाइन के बारे में बता देंगे और इसकी जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जिसे कई बच्चे परेशान बन रहे थे कि कैसा किसी का सिलेबस कैसा होता है, मतलब अगर आप BA में एडमिशन लेते हो, अगर आप BSc में एडमिशन लेते हो, आप ऑनर्स में एडमिशन लेते हो किसी के भी, तो कैसा सिलेबस होता है, क्या चीज़ें हैं, क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड करें, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें, तो एक छोटे से वीडियो में हम आपको मोटी बात बताने वाले हैं। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं आपको लेके आया हूँ। और इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको फॉर्म भरने का लिंक, ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो आपको या फिर डायरेक्ट आप ये टाइप कीजिए BHUonline.in टाइप कीजिए, ठीक है, तो आप डायरेक्ट इस पर चले जाएंगे, या BHU.ac.in पर जाइएगा तो फिर जो है ना आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे, या आप डायरेक्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से आप ये टाइप कीजिएगा BHUonline.in, ठीक है, मैं यहाँ पर लिंक पर क्लिक कर दे रहा हूँ, या आप सही से टाइप करके इंटर मार देना एक बार, ठीक है। तो जब इंटर मारोगे तो कुछ इस तरह का आपको दिख के आएगा, लिख के आएगा, ठीक है। तो जो है ना BHU की जो है ना फाउंडर थे पंडित मदन मोहन मालवीय जी, जिन्हें भारत रत्न भी प्राप्त है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे इस जगह पर आपको ये कोर्स दिख रहे हैं, अप्लाई फॉर एडमिशन फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट दोनों के लिए 19-20 के लिए, मतलब अब जो जुलाई से सेशन शुरू होगा उसके लिए एडमिशन शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो देखो दो कोर्स हैं, एक तो अंडर ग्रेजुएट वाले बच्चों के लिए जो बच्चे ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, और ये पोस्ट ग्रेजुएट जो बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ कोर्सेज, शेड्यूल ऑफ एंट्रेंस एग्जाम और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, हर चीज़ यहाँ पर उपलब्ध, और यहाँ पर क्लिक करके आप जो है ना अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हो, ठीक है। अब देखो फॉर्म शुरू कब से कब तक है, ये देखो नीचे लिख के आ रहा है 10 फरवरी, मतलब आज से ही फॉर्म शुरू होंगे, और चलेंगे कब तक यहाँ देखना 9 मार्च, ये देखो 9 मार्च 2019 तक आपके फॉर्म चलेंगे, ठीक, करीब करीब एक महीना आपके पास है। तो भाई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में तो कहना ही बेकार है, क्या हम उसके बारे में किसी को राय दें, वो अपने आप में मसीहा है। मतलब कोई बच्चा अगर इस यूनिवर्सिटी से अच्छे से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेता है तो कभी वो कोई बेरोजगारी का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसे प्रैक्टिकल गुण उसके अंदर भर जाते हैं कि मतलब पूछो ना बस, ठीक है। तो आपको करना क्या है, अगर आप कक्षा 12 पास हो चुके हो तो आप जरूर इसके लिए अप्लाई करो, शायद आपको जो है ना ग्रेजुएशन करने का मौका मिल सके BHU जैसी यूनिवर्सिटी से, आपका किस्मत खुल जाएगी, ये समझिए, ठीक है। तो कुछ नहीं तो एक अच्छे नागरिक तो आप बनेंगे ही, और नौकरी वोकरी तो फिर अगर इस यूनिवर्सिटी से कोई पढ़ा हुआ है तो उसके दाएं हाथ का खेल होता है, ठीक है। तो जो है ना अब हम थोड़ा सा आपको और बता दें ताकि आप परेशान ना हो, कि देखो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, जिसे ये लिखा है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, ठीक है, अगर आप स्नातक करना चाहते हो तो कौन कौन से कोर्स अवेलेबल, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जान जाएंगे, ठीक है। एंट्रेंस कब होगा ये जान जाएंगे, तो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, अप्लाई ऑनलाइन यहाँ क्लिक करके आप अपना फॉर्म भर लेंगे, ठीक है, फॉर्म भरने में कोई महाभारत की बात नहीं है। तो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज जैसे ये है, तो इसमें कौन कौन से कोर्स है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर शो हो रही हैं, ठीक है। जैसे BA ऑनर्स है आर्ट्स में, BA ऑनर्स सोशल साइंस में, तो ये BPA, ठीक है, वायलिन तबला, मतलब कि BA LLB भी है, ऑनर्स है बैचलर ऑफ लॉ LLB भी है, BSc भी है मैथ ग्रुप के लिए, बायो देखो शास्त्री भी ऑनर्स ये कराते हैं, ठीक है, BA BEd भी कराते हैं आपसे, ठीक, लैंग्वेज हिंदी वगैरह, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। इन जो है ना टॉपिक्स में आपको जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं वो आपको मिल जाएंगे। अब देखो सबसे बड़ी बात आती है, बच्चे परेशान रहते हैं कि ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर कहाँ मिले, ये देखो इसी लिंक पर, यहाँ पर देखो 2018 तक के पूरे पेपर अवेलेबल हैं। अब देखो इनकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है, तो पेपर इसमें सही सही अवेलेबल होंगे, कहीं कोई इसमें धांधलेबाजी आपको नहीं मिली, जो एक्यूरेट इनके पेपर आए हैं वही इन्होंने अपलोड किए हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप क्लिक करके जो है ना इनके ओल्ड क्वेश्चन पेपर के बारे में भी देख सकते हैं और इसकी तैयारी कर सकते हैं। अब देखो हर किसी को ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपके अवेलेबल हैं, BEd वगैरह, ठीक, BA LLB शास्त्री के लिए, BSc के लिए, BA वालों के लिए, BA आर्ट्स वालों के लिए, सबके लिए ओल्ड क्वेश्चन पेपर, आप जिसका देखना चाहे, मान लीजिए आपने BCom का देखना चाहे, आप क्लिक करके इनका ओल्ड क्वेश्चन पेपर वगैरह देख सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत की इसमें बात नहीं है, ठीक है। तो जो है ना मैंने वेबसाइट आपको बता दी, BHUonline.in पर जाना है, वहां से आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भी भर पाएंगे, और जो है ना सारी जानकारी भी वहां से, अगर बुलेटिन पर क्लिक करेंगे तो सारी जानकारी भी आपको वहां से मिल जाएगी। और इस तरह जैसे मैंने आपको विधि बताई है, आप जाके अपने पुराने
पेपर भी देख पाएंगे। जैसे कि ये देखो इनका पुराना पेपर बीकॉम वाला जिसे हमने क्लिक किया था, तो इनका पुराना पेपर खुल के आ गया है। तो आप जो है ना इनके पुराने पेपर के बारे में देख सकते हैं भाई, कैसा किस लेवल के क्वेश्चन आए हैं, तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आपको घबराने की, परेशान होने की कहीं ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखना चाहूँगा, और हाँ कोशिश करता हूँ कि आज शाम को थोड़ा सा लाइव आऊँ तो आपके साथ कुछ बातें हो जाएँ, ज़रूरी बातें, कई सारी कमेंट आ रखी है बच्चों की, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए वंदे मातरम।